पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले में छठ महापर्व बड़े ही हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया, लेकिन कोरोना महामारी ने सभी पर्वों की तरह छठ पर्व के उत्साह को काफी हद तक फीका कर दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस आस्था के पर्व पर विशेष आग्रह करते हुए कहा था कि छठ व्रती न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए भीड़ भाड़ से बचें और संयम से इस महापर्व को मनाएं। मुख्यमंत्री की अपील का पालन भी लोग करते दिखे। जहां भीड़ भाड़ की संभावना अधिक थी, वहां प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। समाज सेवी संस्थाओं के अलावा राजनीतिक पार्टियां भी सक्रियता से योगदान दे रही थी। शनिवार को उगते सूर्य को अर्घ के साथ ही चार दिवसीय महापर्व का समापन हो गया। ज्ञात हो कि मोहनपुर में कंसावती नदी, मंदिर तालाब, आरपीएफ ट्रेनिंग स्कूल तालाब, आयमा, इंदा सहित कई जगहों पर श्रद्धालु अर्घ्य देते नजर आए। युवा भारती विश्वकर्मा समाज ने मंदिर तालाब में लगभग 3000 मास्क का वितरण मुफ्त में किया और छठ व्रतियों के साथ आए श्रद्धालुओं को चाय वितरण किया। किसी तरह की दुर्घटना न होने पाए, इसके लिए सिविल डिफेंस की ओर से गोताखोरों का इंतजाम भी प्रशासन ने किया था। मंदिर तालाब उन्नयन समिति के कार्यक्रम में खड़गपुर नगर पालिका के चेयरमैन प्रदीप सरकार, खड़गपुर शहर थाना प्रभारी राजा मुखर्जी, पार्षद कल्याणी घोष के अलावा अन्य सम्मानित व्यक्ति भी घाट पर उपस्थित रहे। छठ के मद्देनजर विभिन्न घाटों की साफ सफाई कर सजाया गया था। पश्चिम बंगाल से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। क्योंकि भगवान राम साधारण रूप में ही भगवान के रूप में पूजे गए थे, जब तक युवराज बनकर थे उसको पूजा नहीं गया था, इसलिए साधारण बनकर ही अपना जीवन यापन करना हमें सौहार्द और संपत्ति की ओर लेकर जाएगा। यही कामना छठ पूजा के इस अवसर पर सूर्यदेव के आराध्य के वक्त करते हैं। मास्क आवश्यक है, किया जा रहा है। आप सभी आए और मास्क पहने। ओ भाई, ओ भैया, मास्क पहनिए ना, बाद में गुटखा खाइएगा, पहले मास्क पहनिए। भैया, आज जो ये जो पूजा मनाया जा रहा है, तो क्या कोरोना काल को देखते हुए क्या ये पूजा बड़ी सावधानी से मनाई जा रही है? देखिए, सावधानी तो जरूर दिख रहा है, क्योंकि पहले आधे लोग आए करके चले गए पूजा, फिर आधे लोग को छोड़ा गया है। और मैं देख रहा हूँ कि सबके चेहरे पे मास्क है, यह सबसे अच्छा बात है। लेकिन छठ पूजा एक ऐसा आस्था का पर्व है जो कि हिंदू धर्म खास करके पूर्वांचल बिहार यूपी के लोग मनाते हैं। अभी तो पूरे ग्लोबल में ही हो रहा है देखने को कि छठ पूजा हर जगह हो रहा है। अपने आप को कोई भी नहीं रोक सकता इस पर्व से और घाट पे आने से करने से। हालांकि पिछले साल की तरह इस बार ऐसा लगता है कि 80% ही लोग आए हैं, काफ़ी लोग घर में कर रहे हैं। जो रौनक रहता था इस घाट पे वो दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी आशा है, लोग आ रहे हैं, अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि रेलवे ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है कि उन्हीं लोगों को छोड़ रहा है जिनका छठ पूजा हो।